आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृप्य गोपाल दास से करेंगे मुलाकात, जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी खबर सामने आ रही है, रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से करेंगे बैठक, जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिजनौर में खाकी हुई शर्मसार, रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो हुआ वायरल, रिटायर्ड सीओ से दरोगा ने मांगी रिश्वत, 5,000 रुपए की दरोगा ने मांगी रिश्वत। बिजनौर थाने में तैनात है आरोपी दरोगा राधेश्याम, बिजनौर में खाकी हुई शर्मसार, बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो हुआ वायरल, रिटायर्ड सीओ से दरोगा ने मांगी रिश्वत, 5,000 रुपए की दरोगा ने मांगी रिश्वत। बिजनौर थाने में तैनात है आरोपी दरोगा राधेश्याम, बिजनौर में खाकी हुई शर्मसार, रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो भी हुआ वायरल। तो बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां दरोगा ने रिटायर्ड सीओ से रिश्वत मांगी है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। कन्नौज में भाजपाइयों की हुई किरकिरी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जनविश्वास यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, मंच पर बैठने के लिए चले जूते चप्पल, कार्यकर्ताओं ने डंडों से की पिटाई। जनविश्वास यात्रा के लिए बनाया गया था मंच। कन्नौज में भाजपाइयों की हुई किरकिरी, जमकर चले जूते चप्पल, जनविश्वास यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। कार्यकर्ताओं ने डंडे से की पिटाई, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंच पर बैठने के लिए जमकर चले लात, उसे जनविश्वास यात्रा के लिए बनाया गया मंच। कन्नौज में भाजपाइयों की किरकिरी की तस्वीर आई सामने, जनविश्वास यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, मंच पर बैठने के लिए चले जूते चप्पल, कार्यकर्ताओं ने डंडों से की पिटाई। जनविश्वास यात्रा के लिए बनाया गया था मंच, बड़ी खबर सामने आ रही है, जो जनविश्वास यात्रा के दौरान जमकर झड़प देखने को मिली, मंच पर बैठने के लिए जमकर चले लात घूंसे, जनविश्वास यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, मंच पर बैठने के लिए चले जूते चप्पल, कार्यकर्ताओं ने डंडे से की पिटाई। पिटाई की तस्वीरें आई सामने, जनविश्वास यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा। हमीरपुर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सदर और मौदहा एसडीएम ने अवैध खनन पर की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान बालू के 2 ट्रकों का चालान किया, 9 पोकलैंड समेत 2 प्रतिबंधित मशीनें भी जब्त। जिला प्रशासन की कार्रवाई से माफिया में मचा हड़कंप, ललपुरा थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव का मामला। हमीरपुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सदर और मौदहा एसडीएम ने अवैध खनन पर की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान बालू के 2 ट्रकों का चालान किया, 9 पोकलैंड समेत 2 प्रतिबंधित मशीनों को भी किया सीज। जिला प्रशासन की कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप, ललपुरा थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव का मामला। हमीरपुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आई सामने, सदर और मौदहा एसडीएम ने की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान बालू के 2 ट्रकों का चालान किया गया, 9 पोकलैंड समेत 2 प्रतिबंधित मशीनों का भी सीज किया गया। जिला प्रशासन की कार्रवाई आए सामने, ललपुरा थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव का मामला।
इस खबर में हमारे संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, कितने ट्रक बालू बरामद की गई है और कैसे जानकारी मिली इस अवैध खनन की? ये आपको बताना चाहूंगा कि बीती देर रात यहाँ के सदर एसडीएम और मौदा एसडीएम ने गलपुरा थाना क्षेत्र में संचालित टीकापुर में दो खदानों में छापेमारी की है। यहाँ की संचालित बालू खदान 20/7 और 10/1 में सदर एसडीएम और मौदा एसडीएम ने छापेमारी करी, जहाँ से 20/7 बालू खदान में 9 प्रतिबंधित पोगलैंड मशीनें सीज करी है। इसी के साथ ही 10/1 में अवैध खनन कर रही 2 मशीनें सीज करी हैं और इसके साथ ही 2 बालू लदे ओवरलोड ट्रकों का चालान किया है। जी जी ब्रिजेश, चालान तो कर दिया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस अवैध खनन को रोकने के लिए? यहाँ के सदर एसडीएम का कहना है कि जिले में किसी भी दशा में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके द्वारा लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी बीते दिनों ही उरादा थाना क्षेत्र के बेरी में भी सदर एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई थी और सदर एसडीएम लगातार अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिले में किसी भी दशा में अवैध खनन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़े थे हमीरपुर से। लखीमपुर खीरी में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर एक युवक की मौत 3 घायल। मैंगलगंज लिधियाई मोड़ के पास का मामला, लखीमपुर खीरी में दिखा रफ्तार का कहर। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर एक युवक की मौत 3 व्यक्ति घायल। मैंगलगंज लिधियाई मोड़ के पास की घटना। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। मौके पर एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। ग्रामीणों ने मितौली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। मौके पर मौजूद रहे भाजपा प्रवक्ता, नल से पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। इन सब झड़प में एक युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद अब प्रदर्शन जारी है। मितौली थाना क्षेत्र के सेमरावा गांव का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी को मिला नया अध्यक्ष, हज कमेटी के अध्यक्ष चुने गए मंत्री मोहसिन रजा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन रजा। उत्तर प्रदेश हज कमेटी को मिला नया अध्यक्ष, रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वतखोर दारोगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को किया गिरफ्तार। दारोगा राधेश्याम को पीजीआई थाने लेकर पहुंची टीम। बिजनौर थाने में तैनात दारोगा को किया गया गिरफ्तार, रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वतखोर दारोगा। लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को किया गिरफ्तार। दरोगा राधेश्याम को पीजीआई थाने लेकर पहुंची टीम। बिजनौर थाने में तैनात दरोगा था दरोगा राधेश्याम। राधेश्याम पकड़ा गया रंगे हाथों, पकड़ा गया रिश्वतखोर दरोगा। लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार। दरोगा राधेश्याम को पीजीआई थाने लेकर पहुंची टीम। बिजनौर थाने में तैनात दरोगा राधेश्याम गिरफ्तार, रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वतखोर दारोगा। लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को किया गिरफ्तार। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, किस वजह से इस राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया है, जो ये रिश्वतखोरी की बात करी जा रही है, तो रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया ये? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा गया है,
है, बिजनौर थाने में तैनात है दरोगा राधेश्याम। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रंगे हाथों रिश्वतखोर दरोगा को पकड़ा गया है। लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया। इस खबर पर मैसेज संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, कितनी राशि के साथ इस दरोगा को पकड़ा गया है? अजहर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा है। बड़ी राशि के साथ पकड़ा गया है दरोगा राधेश्याम। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 193 नए कोरोना केस मिले। राजधानी लखनऊ में 26 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 38, मेरठ में 27 नए मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 645। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 109। एक बार फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में मिले 193 नए कोरोना केस। राजधानी लखनऊ में 26 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 38, मेरठ में 27 मामले मिले। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 645। सक्रिय मरीजों की संख्या लखनऊ में 109। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। लगातार कोरोना की रफ्तार पूरे देश में बढ़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब 193 कोरोना केस 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। राजधानी लखनऊ में 26 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 38, मेरठ में 27 नए मामले मिले। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 645। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 109। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार। रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वतखोर दरोगा। दरोगा राधेश्याम को पीजीआई थाने लेकर पहुंची टीम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।